तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रोटेक्शन के बारे में, प्रोटेक्शन क्या चीज होती है। देखिए, जो हम कंट्रोल वन करते हैं या नंबर फॉर्मेटिंग से यहां से क्लिक करते हैं, ठीक है जी, इसमें आप नंबर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, अलाइनमेंट वगैरह से रिलेटेड फॉन्ट की कर सकते हैं फॉर्मेटिंग, बॉर्डर फिल और साथ में प्रोटेक्शन की, ठीक है जी। प्रोटेक्शन में दो फील्ड होते हैं जिसमें आपको एक दिख रहा है लॉक्ड पे चेक है और हिडन पे अनचेक है, ठीक है जी। प्रोटेक्शन के दो ही एंटिटी होती है ये। तो आपने देखा यहाँ लॉक्ड पे चेक है, मैंने तो किया नहीं, पर और किसी सेल पे देख रहा हूं तो वहां पे भी लॉक्ड पे चेक है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कि बाय डिफॉल्ट हर कोई सेल लॉक्ड होता है, ठीक है जी। वहां जिन जो सेल लॉक्ड होंगी, और मैं यहां पे जैसे राइट क्लिक करके शीट के ऊपर प्रोटेक्ट शीट करता हूं, तो यहां मैं पासवर्ड भी दे सकता हूं, फिलहाल नहीं दे रहा हूं। तो प्रोटेक्ट होने पे उस सेल पे आप एंट्री नहीं कर सकते, ठीक है जी, जो कि उसमें लॉक्ड चेक है। अनप्रोटेक्ट कर देता हूं, जब तक आप प्रोटेक्ट शीट नहीं करते हैं वो लॉक्ड अनलॉक्ड का कोई मतलब नहीं होता। तो लेट सपोज मैं क्या करता हूं, एक फॉर्म बनाता हूं, जैसे एप्लीकेशन ही बना रहा हूं, नेम, रोल नंबर और मार्क्स, इसकी एंट्री जो मैंने करनी है वो यहां करनी है, इसमें करनी है, यहां करनी है और इधर करनी है, ठीक है जी। इन तीन सेल में मैंने एंट्री करनी है। मैं चाहता हूं कि बाकी सेल में यूजर छेड़छाड़ ना कर पाए, केवल इन तीन सेल में एंट्री करे, ठीक है जी। तो अब मल्टीपल सिलेक्शन के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ क्लिक क्लिक करते हैं। तो पहला सिलेक्टेड है, कंट्रोल दबाया मैंने, दूसरा सिलेक्ट कर लिया, तीसरा सिलेक्ट कर लिया, तीनों सिलेक्टेड हो गए। देखने के लिए मैं यहां से कोई कलर चेंज करता हूं तो हो जा रहा है उसका, ठीक है जी। ये तीनों ही सिलेक्टेड है, इसके अलावा नहीं कोई। फिर मैं क्या करता हूँ, ये नंबर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन खोलता हूँ और प्रोटेक्शन में लॉक्ड हटा देता हूँ। तो क्या हुआ, इन तीन सेल के लिए लॉक्ड हट गया, यानी कि ये हो गई अनलॉक्ड सेल। तो जब मैं यहां से प्रोटेक्ट शीट करूंगा, चाहे तो पासवर्ड दे सकते हैं, प्रोटेक्ट शीट करूंगा तो मैं और कहीं एंट्री करता हूं तो ये एरर आती है, मैसेज देता, पर यहां पे मैं एंट्री कर सकता हूं। और कहीं करूंगा, ठीक है जी। अब एक और चीज करते हैं, अनप्रोटेक्ट करते हैं इसको, तो यानी कि बाकी का आप डेटा नहीं कर सकते, बट उसमें एक चीज कर सकते हैं आप। जैसे मैं प्रोटेक्ट शीट कर रहा हूं, यहां पे मैं एंट्री नहीं कर सकता, बट मैं यहां से कॉपी जरूर कर सकता हूं, कॉपी करके किसी और शीट पर पेस्ट कर दिया। प्रोटेक्ट शीट जो करते हैं खाली शीट लेवल तक ही रहता है, उसी शीट पे वर्क करेगा। तो कॉपी करके पेस्ट मैंने डेटा कर दिया, तो यह है कि मेरा फॉर्मेट तो सिक्योर हो गया। हाँ, इसके ऊपर आप कहीं कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, इसके ऊपर यहाँ पे इधर कोई पेस्ट करना चाहे तो नहीं कर सकते, इनमें कर सकते हैं, ठीक है जी, जो अनलॉक्ड है। मैं चाहता हूं कि मेरा डेटा कॉपी ना कर सके कोई, मतलब यहां जहां एंट्री राइट है वहां तो कॉपी पेस्ट कर सके, पर और कहीं से कॉपी भी ना कर सके डेटा। तो जब हम राइट क्लिक करके यहाँ पे पहले अनप्रोटेक्ट कर देता हूँ, अब राइट क्लिक करके जब मैं प्रोटेक्ट शीट करता हूँ, तो इस ऑप्शन में पहला ऑप्शन तो है पासवर्ड का, पासवर्ड कोई भी दे सकते हो। उसके बाद प्रोटेक्शन के दौरान क्या क्या एक्सेप्शन रहेंगी, मतलब आप क्या क्या करवाना चाहते हैं, तो इसमें देखेंगे दो ऑप्शन आपके ऑलरेडी चेक है, सिलेक्ट लॉक सेल, सिलेक्ट अनलॉक सेल, यानी कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बाकी अगर किसी पे क्लिक कर देंगे तो प्रोटेक्शन के दौरान वो काम आप करवा पाएंगे। बहुत सारे काम है इसमें, जैसे फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट कॉलम, फॉर्मेट रो, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट रो। अब जैसे मैंने रो इंसर्ट पे क्लिक कर दिया तो रो इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, अगर आपने इंसर्ट रो पे क्लिक किया तभी कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो अच्छा, अभी अब सपोज अपन लॉक करते हैं और अब रो इंसर्ट करेंगे तो रो इंसर्ट नहीं होगी। हाँ, अभी जैसे मैं इसमें लॉक्ड है और इंसर्ट का ऑप्शन ही नहीं आएगा, डिसेबल आ रहा है। ओके ओके, ये सही है।
आपके को। तो अब मैं क्या करता हूं, मैंने जैसा कि कहा यूजर कॉपी ना कर पाए, तो इसका तो ऑप्शन ही नहीं है, इसमें इसका यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है कि आप कॉपी ना कर पाए, पेस्ट ना कर पाए। पर एक चीज है जी, कि जब तक आपका डेटा सिलेक्ट नहीं होगा तब तक आप कॉपी कर नहीं सकते उसे। ओके ओके ठीक है जी। तो यहाँ से मैं कर दूंगा सिलेक्ट लॉग सेल पे अनचेक कर दूंगा। ओके अब प्रोटेक्ट करूंगा तो वहां पे आप कितना भी क्लिक करें सिलेक्शन लेगा ही नहीं, कई बार देखा मैंने, कई लोग ऐसे एक्सेप्शन भेजते हैं। यहाँ तक कि आप इसमें भी एंटर दबाते हैं ना यहाँ पे कुछ डालने के बाद, तो वो अगली अनलॉक्ड सेल पे मूव हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके ठीक है जी। ये एक्सेप्शन है इसमें अनप्रोटेक्ट करके, तो शीट प्रोटेक्ट क्वेश्चन। हाँ जी, मतलब इससे इससे प्रोटेक्शन से रिलेटेड नहीं है। आप जैसे आपने आपने नेम लिखा, रोल नंबर लिखा, मार्क लिखा, ठीक है, ये और बिल्कुल ये इससे सट के चलता है लाइन, कॉलम बी के यहाँ कॉलम चालू हो रहा है बिल्कुल वहां इस लाइन के पास से सट के चल रहा है, थोड़ा एक सेंटीमीटर इस तरह से चालू करवाना है तो आपको तरीका नहीं है क्या? हाँ नेम नेम वाले कॉलम में बिल्कुल है। इसको पहले तो मैं सिलेक्ट करके क्या करता हूँ, नॉर्मल पोजीशन पर ला देता हूँ जैसे होना चाहिए। ठीक है जी, थोड़ा सा हटके करना है ना, तो यहाँ पे इंडेंट है आपके ये। हाँ ऐसा करना। हाँ ओके 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 थैंक यू। ठीक है जी, नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं इंसर्ट करके इसको छोटा कर देते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ऑकवर्ड दिखता है। हाँ वो तो दिखता ही है, पर ऑकवर्ड ना दिखे इसके लिए व्यू में जाके ग्रिड लाइन हटा दीजिए। ठीक है जी, ऐसा भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, कोई बहुत स्पेसिफिक नहीं है। Okay, okay. जैसा कि मैं बताया दो तरह की सेल होती है, लॉक्ड और अनलॉक्ड। ठीक है जी, जी अब मैं क्या करता हूँ सबको ही लॉक कर देता हूँ एज डिफॉल्ट। ठीक है जी, अब क्या करते हैं यूजर लेवल प्रोटेक्शन देखते हैं कि एक ही शीट में एक और तरह की, मैं दो यूजर को राइट देना चाहता हूँ, तो प्रोटेक्ट शीट में अगर आप उसे पासवर्ड बताएंगे तो वो तो सब पे ही एंट्री कर पाएगा, सब कुछ कर पाएगा। यहाँ दो तरह के बनी रहे हैं, जहां पे आपका एम्प्लॉई है और यहाँ पे आपका मैनेजर है। ठीक है जी, कुछ टास्क है और उसमें वो अप्रूवल लेने हैं कि क्या मैं ये कर दूं। ठीक है जी, तो यहाँ पे अब वो अपना एम्प्लॉई चाहता है कि मैं टास्क एंटर करूं, और टास्क खाली एम्प्लॉई ही बताएगा, उसका मैनेजर नहीं बताएगा कि तुम क्या करो। ठीक है जी, तो यही शीट हमने एक फॉर्मेट भेजना है इसी तरीके से, एम्प्लॉय को भी मैनेजर, पहले एम्प्लॉय को भेजेंगे, एम्प्लॉय अपने मैनेजर को भेजेगा ये भर के। तो हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय का डेटा एम्प्लॉय ही एंटर कर पाए और मैनेजर का डेटा मैनेजर ही कर पाए, दोनों आपस में एक दूसरे का ना छेड़ पाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे मैंने एम्प्लॉय की रेंज सिलेक्ट करी कि एम्प्लॉय कहाँ कहाँ एंटर करेगा, रिव्यू में चला जाऊंगा, रिव्यू में आपका प्रोटेक्ट शीट का भी ऑप्शन है, यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट प्रोटेक्ट वर्कबुक के ऑप्शन यहाँ पे भी है आपके, यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है अलाउ यूजर टू एडिट रेंज। ठीक है जी, इस पे क्लिक करेंगे, मैंने किया होगा न्यू, यहाँ से न्यू लेंगे, रेंज का नाम दे देंगे, मैं ईएमपी नाम दे देता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड दिखा रहा है, इसका पासवर्ड भी मैं ईएमपी रख देता हूँ। ठीक है जी, ओके कर दिया मैंने, दोबारा पासवर्ड पूछ रहा है एंटर करने के लिए, तो वापस वही डाल दिया, एक रेंज एंटर हो गई। दूसरी रेंज मैंने बनानी है मैनेजर वाली, इसमें मुझे सिलेक्ट करके बताना है कि ये वाली है मैनेजर को, पासवर्ड दे दिया इसका MGR, या कोई भी दे सकते हैं। अच्छा MGR, यहाँ पे भी एंटर कर दिया MGR। ठीक है जी, दो हो गई, अप्लाई, ओके। ठीक है जी, अब कर देंगे प्रोटेक्ट शीट। तो अब क्या हुआ, कहीं एंट्री तो हम कर नहीं सकते, पर इस जगह पे जब बंदा आएगा एंट्री करने,
तो ये पासवर्ड मांगेगा। तो यहां अगर मैं एम्प्लॉय का पासवर्ड डालूंगा तभी ये मुझे एंट्री करने देगा। ठीक है जी। अब मान लीजिए अब एम्प्लॉय चाह रहा है मैनेजर पे एंटर करना, तो मैनेजर वाला भी पासवर्ड मांगेगा। ठीक है जी। तो यहां से हम मैनेजर का पासवर्ड देंगे तो मैनेजर भी एंट्री कर पाएगा। ठीक है जी। इसमें एक लिमिटेशन है, इसको हम ज्यादातर वीबीए के थ्रू यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसी शीट को आप सेव करेंगे, इस शीट को जब हम सेव करेंगे तो ये पासवर्ड डलते ही अनलॉक हो जाएगा। देखिए दोबारा नहीं मांग रहा पासवर्ड, है ना। तो यहाँ वीबीए कि जब ये फाइल क्लोज करे तो वापस लॉक कर दे, क्योंकि एक बार लॉक खुलने के बाद वो दोबारा लॉक नहीं करता बगैर करे। ठीक है। या तो उसे इतना एडवोकेट करें कि भाई साहब आप लॉक करके दे मुझे। ठीक है जी। तो ये था यूजर लेवल का प्रोटेक्शन जिसको हम यूज कर सकते हैं, अलग अलग पासवर्ड दे दिए। देन उसके बाद आता है वर्कबुक प्रोटेक्शन। अभी तक हम कर रहे थे एक एक शीट को प्रोटेक्ट कर रहे थे। वर्कबुक प्रोटेक्शन का ये मतलब नहीं है कि आपकी शीट्स भी लॉक हो जाएंगी। वर्कबुक मतलब ये आपकी वर्कबुक के लिए, उसमें कुछ काम ऐसे होंगे जो आप नहीं कर पाएंगे। अभी देख रहे हैं यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा तो शीट को इंसर्ट डिलीट कर सकता हूँ मैं। ठीक है जी। प्रोटेक्ट शीट डिलीट कर सकता हूँ मैं इस शीट को। ठीक है जी। मैं चाहता हूं कि कोई शीट डिलीट ना कर पाए तो वर्कबुक प्रोटेक्शन कर लूंगा। प्रोटेक्ट वर्कबुक, प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर एंड विंडोज। स्ट्रक्चर एंड विंडोज दो तरह के ऑप्शन होते हैं। अभी स्ट्रक्चर चेक किया इसमें। ठीक है जी। इसमें भी पासवर्ड दे सकते हैं। अब मैंने वर्कबुक को प्रोटेक्शन ऑन कर दिए वर्कबुक में। अब आप क्या कर सकते, इसमें क्या है आपकी वर्कबुक इंसर्ट डिलीट नहीं करने देगी कोई भी शीट। ठीक है जी। ऑप्शन डिसेबल हो जाएंगे आपके। अनप्रोटेक्ट कर दिया मैंने प्रोटेक्ट में, हाँ मतलब इंसर्ट अपडेट शीट नहीं करने पड़ेगी, करने देगी ना, हाइड करने देगी ना ओपन करने देगी कोई भी हाइड। ठीक है जी। अब विंडोज की तो क्या होगा? अब विंडोज में वो जो तीन बटन है ना जिससे मैं दिखा रहा था कि आपको ये बुक है ये नहीं है, अगर आप विंडोज सिलेक्ट करेंगे तो वो तीन बटन गायब हो जाएंगे ऊपर। मतलब इस एप्लीकेशन में इस बुक के अलावा और कोई आप खोल नहीं सकते। ओके। ठीक है जी। ये होता है, अनप्रोटेक्ट कर दिया मैंने। इसके अलावा जो पर जैसे अभी अपन ने अनप्रोटेक्ट किया, अब मैंने किसी को प्रोटेक्ट करके दिया फिर जाके वो क्या अनप्रोटेक्ट पे क्लिक कर दिया तो फिर अनप्रोटेक्ट हो जाएगी? हाँ अनप्रोटेक्ट पे पासवर्ड डालेंगे तो पासवर्ड देना पड़ेगा आपको। जैसे मैं प्रोटेक्ट करके पासवर्ड देता हूँ ना तो इंसर्ट डिलीट कर नहीं पाऊंगा मैं। ठीक है जी। और यहाँ से अनप्रोटेक्ट करने जाऊंगा तो यहाँ पासवर्ड मांगेगा, मेरे से पासवर्ड देना पड़ेगा तब कर पाऊंगा इंसर्ट अनलॉक के लिए। और वो और मान लो मेरे को ऑप्शन ही गायब करना है तो ऐसे नहीं हो पाएगा ग्रे करना हो तो अनप्रोटेक्ट का प्रोटेक्ट होने के बाद? वो मतलब बीबीए के थ्रू कोर प्रोग्रामिंग में हो सकता है, ऐसे नॉर्मल कोई तरीका नहीं है। नहीं नहीं वो पासवर्ड मांग तो रहा है और क्या करेगा इससे ज्यादा। नहीं मैं आपको क्या कहते हैं कोड भेजना भूल गया, पक्का याद से भेजूंगा। अच्छा कोर प्रोग्रामिंग से हो सकता है वैसे? ऐसा कोर प्रोग्रामिंग से टूट जाता है? नहीं टूट तो जाता है वो तो है, क्योंकि पासवर्ड ये जो आप बता रहे। हाँ हाँ ये जो आप बता रहे हैं कोड प्रोग्रामिंग से आपने पासवर्ड डाला तो पासवर्ड भी तोड़ देता है। पासवर्ड तोड़ देगा पर आप यहाँ से बटन तो डिसेबल करा सकते हैं पर प्रोग्रामिंग से फिर भी वो टूट जाएगा। हाँ ओके ओके, मतलब वो भी प्रोग्रामिंग से टूट जाएगा, टूट सकता है। हाँ क्योंकि पता है क्या, ये तो खाली बाहरी इंटरफेस है, पीछे इसके जो मैक्रो लगा है वो तो वो एक्सेस कर देगा कोड को।
ओके या तो आप क्लिक कर रहे हैं, मतलब यदि मैंने इसको अभी ग्रे करवा भी दिया मान लो के बाद वीबीए कोड से, हाँ, तो फिर से यदि एक दूसरा कोड है जो इसको तोड़, वो जो वीबीए कोड को भी तोड़ सकता है ऐसा? वीबीए कोड क्या होते हैं ना, ये इंटरनली इंटरनल मैक्रोस पे काम करते हैं। अभी जो हम कर रहे हैं ये क्या है कि जो बटन बटन का इंटरफेस है इनके पीछे कुछ मैक्रोस ऑलरेडी लगे हुए हैं, तभी ये कुछ ना कुछ फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है जी। अगर वो चीज हम ये बटन डिसेबल भी करा देते हैं तो वीबीए जो है वो इन बटनों पे नहीं खेलता, वो अंदर के कोड पे अटैक, ओके ठीक है। अब बात है कि ये तो ये था प्रोटेक्शन का, प्रोटेक्शन तो खाली एक छोटी सी वो है कि थोड़ा सा आप प्रोटेक्टिव कोड बना देते हैं। बात आ रही है कि अब मैं चाहता हूं कि यूजर देख ही ना पाए फाइल को विदाउट पासवर्ड डाले, ठीक है जी, देख ही ना पाए, ओपन ही ना हो, क्योंकि अभी मैं इसको सेव करूंगा तो ओपन करूंगा तो कोई नहीं दिखेगा तो सही, मुझे प्रोटेक्ट तो चाहे अनप्रोटेक्ट तो दिखेगा दिखेगा। तो इसको जब मैं सेव करूंगा, सेव है इस पर क्लिक करूंगा, फाइल को सेव करते वक्त यहाँ पे नीचे टूल्स का ऑप्शन होता है आपको, इस पे क्लिक करेंगे तो जनरल ऑप्शन आते हैं। जनरल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दो तरह के पासवर्ड मांगता है, पासवर्ड टू ओपन और पासवर्ड टू मॉडिफाई, ठीक है जी, मतलब ओपन करने के लिए पासवर्ड और मॉडिफाई करने के लिए पासवर्ड। तो मॉडिफाई को सोच समझ के दें क्योंकि ये रिवर्ट नहीं हो सकता, पासवर्ड टू मतलब हाँ वो तो टूट नहीं सकता, ये दोनों कोड ऐसे हैं जो ये टूट नहीं सकते, ओके ओके ठीक है जी। तो इसमें कोई भी मैंने पासवर्ड दे दिया, पासवर्ड टू ओपन दोनों में कर दिया। सपोज मेरे को पासवर्ड टू ओपन नहीं देना है, केवल पासवर्ड टू मॉडिफाई देना है, पासवर्ड टू मॉडिफाई फिर वो चेंज नहीं होगा कभी भी, उसके साथ लिमिटेशन है। सपोज अच्छा मैंने पासवर्ड टू मॉडिफाई दिया, ठीक है, और मैंने कुछ मॉडिफिकेशन कर दी, पर मॉडिफाई का पासवर्ड देख के मैं मॉडिफिकेशन तो कर सकता हूँ ना अंदर जाके? मॉडिफिकेशन कर सकते हैं बट वो मॉडिफिकेशन का पासवर्ड जो है उसको हटा नहीं सकते कभी भी उस शीट पे से, उसका ऐसा कर सकते हैं सेव है अच्छा दोबारा से सेव कर सकते हैं, ये कर सकते हैं क्या उस फाइल को दोबारा से सेव एज कर सकते हैं, ओके ओके उसको चेंज नहीं कर सकते, पर पासवर्ड को सेव एज करके चेंज कर सकते हैं क्योंकि सेव एज करके आप दूसरा वो कर सकते हैं, फाइल डिफर हो जाएगी, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ इसको सेव कर देता हूँ, सेव कर दिया मैंने, पासवर्ड दे के मॉडिफाई वाला नहीं सिलेक्ट किया, तो जब मैं इसको खोलूंगा तो ये फाइल से पहले पासवर्ड मांगेगा ओपन करने से पहले, ये दे दिया तो खुल जाएगा, बट अब फाइल सेव हो चुकी है, अब मुझे पासवर्ड चेंज करना है तो कैसे करूंगा, ठीक है जी, वो तो सेव करते टाइम किया था, अब क्या करना है। तो इसके लिए एग्जिस्टिंग फाइल में करने के लिए आपके पास जैसे ही ऑफिस बटन में जाएंगे नीचे प्रिपेयर है, प्रिपेयर में है एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट, ओके, एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट में ये आपका पासवर्ड पुराना वाला आ जाता है, इसको चाहे तो डिलीट कर दें या दोबारा कोई नया डालना है तो डाल के लगा सकते हैं। ओके कर दिया मैंने, सेव करके इसको क्लोज कर दिया, ओपन किया, आप कोई पासवर्ड नहीं मांगा है, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम प्रोटेक्शन के मेथड को यूज करते हैं। और हाँ अब जो कोई शैतानी करनी ही है उसमें तो कई कोड ऐसे भी है जो इसको शायद तोड़ सकते हैं, ठीक है जी। सिक्योर तो बैंक भी नहीं है, उनको भी लूट के ले जाता है कोई ना कोई, खास है करी होता मैं तो ये था मैं अपना जो था प्रोटेक्शन का चैप्टर था पूरा, ठीक है जी। मैंने आपको लॉग्ड के बारे में बताया था, हिडन के बारे में नहीं बताया। हाँ हिडन का मान लीजिए आपने बहुत मेहनत करके एक ऐसा फॉर्मूला डेवलप कर दिया है जो कोई नहीं कर सकता, ठीक है जी, और आप चाहते नहीं कि वो लोगों को पता पड़े कि आपने फॉर्मूला क्या लगाया, तो मान लीजिए मैं सम के फॉर्मूले का एग्जांपल ले लेता हूँ,
मैं क्या पूरे करूंगा, सेल के ही ले लीजिए ना पूरे हाँ मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ना फॉर्मेट। हिडन पे भी क्लिक कर दूंगा, ठीक है जी। ओके, अब जब मैं प्रोटेक्शन ऑन करूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा शीट को, अच्छा मैंने सिलेक्शन भी नहीं दिया है, मेरे को सिलेक्शन देना पड़ेगा पहले कि चलो सिलेक्ट लॉग सेल भी सिलेक्ट हो। तो आप इन सब में जाएंगे तो इसमें आपको वैल्यूज तो दिखा रहा है, और जहां फॉर्मूला लगा होगा वो आपको यहाँ दिखाएगा नहीं, ना उसमें आप कुछ कर सकते, वैसे हिडन हो जाएगा फॉर्मूला। वैल्यू दिखाएगा आप यहाँ, अगर मतलब आपके चेंजिंग राइट होंगे तो यहाँ चेंज करेंगे तो यहाँ वैल्यू भी चेंज होगी, पर आपको ये फॉर्मूला नहीं दिखाएगा, ठीक है जी। तो ये है और सारा प्रोटेक्शन। एक अभी कैसे दिखाने लगा? अभी मैंने अनप्रोटेक्ट कर दिया ना, अच्छा, और ठीक। और क्या था, यदि मेरे को शीट हाइड करनी है तो? शीट तो वैसे भी हाइड वाइड कर सकते हैं उसमें, ये जो हाइड है तो हाइड कर ही सकते हैं उसमें, वर्कबुक नहीं, प्रोटेक्ट। हाइड कर दिए पर उसको ऐसा ऐसा प्रोटेक्ट करने की अनहाइड ना हो पाए। हाँ वो आपको वर्कबुक प्रोटेक्ट करनी पड़ेगी फिर, जैसे मैंने ये हाइड कर दिया एक शीट, अब मैंने यहाँ से जाके रिव्यू में जाके प्रोटेक्ट वर्कबुक कर दी, ठीक है जी। तो अब मेरा जो अनहाइड का ऑप्शन ये आएगा ही नहीं, ठीक है जी। और हालांकि मेरे पास एक ऐसा कोड भी है VBA के थ्रू जिसका इससे कोई जी मतलब नहीं होता, ऐसी हाइड होता है कि चाहे ये प्रोटेक्ट हो वर्कबुक चाहे ना हो, वो अनहाइड फिर भी नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ VBA कोड से हाइड अनहाइड होगी। वो ज्यादा अच्छा है। हाँ वो उसका उसको कहते हैं एक्सेल वेरी हिडन।